सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पांच ऐसे गैजेट्स लेकर आया हूँ जो आपके डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं और ये कम्प्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और इनमें से कुछ गैजेट्स तो आपके बजट रेंज में भी आ जाएंगे, जिन्हें आप नीचे दिए गए लिंक से अमेजोन या फिर ऑनलाइन स्टोर से इजिली परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और आप भी गैजेट से रिलेटेड वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के गैजेट्स की ओर बढ़ते हैं। नंबर वन पर आता है जूटा पॉकेट प्रिंटर। तो फ्रेंड्स, वैसे तो प्रिंटर्स का हमारे डेली लाइफ में काफ़ी सारा यूज़ होता है, लेकिन हम प्रिंटर्स का घर में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रैवलिंग पर उसे कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रिंटर्स खास करके होम यूज़ के लिए बनाया गया है। अगर आपको भी ट्रैवलिंग करते वक्त या फिर कहीं बाहर प्रिंटर की ज़रूरत हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये खास गैजेट का। ये दुनिया का पहला पॉकेट प्रिंटर है। इसे इतना छोटा डिज़ाइन किया गया है कि आप इसे कहीं पर भी इजीली ले जा सको। और इसे यूज़ करने की बात करें तो इसमें लगे पावर बटन को ऑन कर देना है और इसे एक नॉर्मल से वाइट पेपर पर रख देना है और आपके स्मार्टफोन में इसके एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लेना है, जिसके बाद आप अपने स्मार्टफोन से पेपर के साइज के हिसाब से टेक्स्ट को प्रिंट करवा सकते हो और आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे से खींचे हुए फोटो को भी इंस्टेंटली प्रिंट करवा सकते हैं। और ये आपके स्मार्टफोन से वायरलेसली वाईफाई से कनेक्टेड होता है और इस प्रिंटर के नीचे चार व्हील्स लगे होते हैं, यानी कि वो व्हील्स प्रिंटर के मूवमेंट को एडजस्ट करते रहते हैं। नंबर टू, राइट एयर। वैसे तो एयर पंप्स तो आप जानते होंगे, जिसे हम बाइसिकल के टायर में एयर भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें ऑफिस या फिर कहीं जाना हो तो वैसे टाइम हमारी बाइसिकल के टायर की हवा कम हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हम यूज में लेते हैं एक सिंपल से एयर पंप्स को, जो कि हवा भरते भरते बहुत ही थकावट सा काम होता है। तो अगर आपको भी ये सिचुएशन से बार बार निपटना पड़ता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं खास गैजेट का। इसे खास तौर पर दो कॉमन सिचुएशंस के लिए डिजाइन किया गया है। एक है एयर प्रेशर का अचानक से कम हो जाना और दूसरा एयर प्रेशर को मेंटेन करना। इसे यूज करना भी कोई मुश्किल सा काम नहीं। इसे आपको टायर के वाल में पकड़े रखना है और इसमें लगे बटन को कंटिन्यूसली प्रेस कर देना है, जिसके बाद आपका टायर देखते ही देखते फिर से खड़ा हो जाएगा। इसमें एक एल्यूमिनियम एयर टैंक भी लगी हुई है, जिसमें 650 ml तक की एयर को स्टोर करके रखता है और इसकी एयर खत्म होने पर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इसे कहीं से भी इजीली रिस्टोर करवा सकते हैं। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसकी परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से इसे बाय कर सकते हो। नंबर थ्री, जिप स्टिच। दोस्तों, हमारे डेली लाइफ में अक्सर हमें छोटी मोटी सी चोटें लग जाती है, लेकिन ऐसे में कोई कट लग जाए तो उस जगह से ब्लीडिंग को रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सा होता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो उतनी अच्छी तरह से ब्लीडिंग को रोक नहीं पाता। लेकिन बैंडेज छोटे से चोट के लिए ठीक होता है, लेकिन बड़े से कट पर उसे यूज़ करने से कोई असर नहीं पड़ता। तो गाइस, इसके लिए एक खास गैजेट को बनाया गया है। इसकी मदद से आप आसानी से कट हुए जगह को लॉक कर सकते हैं और ब्लीडिंग को इजीली रोक सकते हैं। इसे यूज करना बहुत ही आसान होता है। इसे आपको उस जगह पर लगा देना है जिस जगह पर आपको कट लगा होता है, और उसे लगा देने के बाद आपको इसमें लगे लॉक्स को खींचकर लॉक कर देना है और उस एक्स्ट्रा हिस्से को कट कर देना है, जिसके बाद आपकी कटी हुई चोट फिर से जुड़ जाएगी। देखने में तो ये काफी ज्यादा छोटा और लाइट वेट है, जिससे कि आपको इसे कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर फोर, फिंगरप्रिंट पेन ड्राइव। तो दोस्तों, आपको ये पता होगा कि हम लोग पेन ड्राइव्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसमें हमारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखते हैं। और कुछ बार तो पेन ड्राइव को सिक्योर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि वह घूम जाने का खतरा बना रहता है, और अगर वो पेन ड्राइव किसी के हाथ लग जाती है तो आपका सारा डेटा लॉस हो सकता है। अगर आप भी अपने पेन ड्राइव को सिक्योर रखना चाहते हैं तो आपको ये गैजेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये तो एक पेन ड्राइव ही है, लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर भी दिया गया है, वो है इसमें लगे फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो दोस्तों, अब तक आप सिर्फ स्मार्टफोन में ही फिंगरप्रिंट सेंसर्स को आते देखा होगा, लेकिन आप पेन ड्राइव्स में भी आ गए हैं। तो इसे यूज़ करने की बात करें तो इसे यूज़ करना भी कोई मुश्किल सा काम नहीं, क्योंकि ये कुछ ईजी स्टेप्स में इंस्टॉल हो जाता है। जैसे कि आपको इस पेन ड्राइव को लैपटॉप यूएसबी पोर्ट में डालकर इसे एप्लीकेशन के थ्रू सेटअप कर लेना है और आपकी उंगलियों को भी इसमें स्कैन कर लेना है, जिसके बाद ये पेन ड्राइव तब तक अनलॉक नहीं होगी जब तक आप इसे अपने फिंगरप्रिंट से अनलॉक नहीं करेंगे। अगर आप भी एक बिजनेसमैन हो तो आप इसे नीचे दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। नंबर फाइव, टेक टैक्स। फ्रेंड्स, आप इस गैजेट को देखते ही आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो वैसे ही कुछ गैजेट्स में से एक है ये खास गैजेट, जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक स्मार्ट ट्रैकर है जो आपको एक सिंपल से टैटू की तरह नजर आएगा, लेकिन ये कोई सिंपल सा टैटू नहीं, बल्कि एक इलेक्ट्रिक टैटू है
जो कि आप इसे अपने बॉडी पर एक नॉर्मल टैटू की तरह लगा सकते हैं, लेकिन ये आपके बॉडी वाले टैटू से कहीं ज्यादा अलग है, क्योंकि ये टैटू एक फिटनेस ट्रैकर का भी काम करता है, जहां पर ये स्टेप काउंटर, कैलोरी बर्निंग, काफी सारे फीचर्स के साथ आता है। और आप इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद ये बॉडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके स्मार्टफोन में दिखाएगा। और आप सिर्फ इस गैजेट से इतना ही नहीं कर सकते, यानी कि आप इसमें अपने आईडीज और इम्पोर्टेंट पासवर्ड्स को सेव करके रख सकते हैं। ये टैटू तो दिखने में तो एक सिंपल से टैटू की तरह दिखता है, लेकिन आप इस टैटू के फीचर्स तो इस वीडियो में जान चुके हैं। आपको ये गैजेट कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। सो गाइज, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साइड वाले घंटे को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो और अगला सुपर गैजेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।